हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड बैटरीज। आज मैं जेपी किचन से आपके लिए लेकर आई हूँ समोसा रेसिपी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। इसके लिए 2 कप मैदा, 1/2 कप मूंगफली, 1/2 कप हरा मटर, 2 बड़े चम्मच देसी घी, 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल। ये जेपी स्पेशल मसाला है, इसका डिटेल्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। दो बड़े उबले कटे आलू, 1 कटा धनिया, 1 कटी हरी मिर्च, 1 से 2 इंच कटा अदरक, 2 के लिए मैंने मैदा, ऑयल और घी मिला लिया है। इसमें 1/2 चम्मच मैंने कलौंजी डाला है, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच और थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका स्मूथ डो तैयार करना है। डो बहुत स्मूथ ये नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, तभी आपके समोसे क्रिस्पी हो पाएंगे। ऐसा ही डो आपको तैयार करना है। फिर ऊपर से हल्का पानी लगाकर इसको ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। पैन गरम करके उसमें 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालना है, 2 चम्मच आपको इसमें पंचफोरन डालना है, 1/2 चम्मच अच्छे से तरक जाए उसके अंदर आपको कटा हरा धनिया, 1/2 कटी हरी लाल मिर्च, 1 कटा अदरक आपको इसके अंदर डालकर भूनना है। फिर उसके बाद उसमें आपको हरी मटर डालनी है और मूंगफली डालना है, डालकर इसको अच्छे से मिलाना है। एक से दो मिनट आपको भूनना है इसको। जब इसमें से स्मेल आने लगे, भुनने की स्मेल आने लगे, उसके बाद आपको इसमें सूखे मसाले, सारे सूखे मसाले आपको इसमें डालना है।
मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अपना जो मसाला है स्पेशल जेपी मसाला वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आपको चाट मसाला अभी नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये मसाला 1 से 2 मिनट में भुनकर तैयार है। अब इसमें उबले कटे आलू को डालना है। अब इसको अच्छे से मिलाना है। आलू तैयार होने में 3 से 4 मिनट लगता है। आपको इसको दबाते हुए ये चलाना है ताकि ये आलू थोड़ा खड़ा भी रहे और थोड़ा मैश भी हो। आपको एकदम मैश नहीं करना है, नहीं तो वो समोसे वाला जो फ्लेवर आप है वो नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको इसमें लास्ट में नमक डालना है। नमक आपको तुरंत नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि आप नमक डालोगे तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा। नमक डालकर फिर इसको अच्छे से मिलाना है। अब आपका ये समोसा भुन गया है अच्छा से। समोसे की जो फिलिंग है स्टफिंग है, अब लास्ट में आपको चाट मसाला और हरा धनिया डालना है। अब ये हमारा फिलिंग अच्छे से तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल देना है। ध्यान रखना है कि आपकी जो ये फिलिंग है वो ठंडी होनी चाहिए। अगर समोसा में आप गरम गरम डालोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो अब हमारा ये डो तैयार है। अब इसको इसकी हम लोइयां बना लेते हैं। 200 ग्राम समोसा में 10 लोई तैयार हो जाती है, 10 बोल आपके तैयार हो जाते हैं और एक बोल से आपको 2 समोसा आपका रेडी हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं समोसा बेलना। आपको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए समोसा बेलना है, क्योंकि मैदा है थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बेलते वक्त ध्यान देना है। आपको इसमें अलग से आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पूरी को बीच से कट कर लेना है। इसी तरह कट करके आप सारा समोसा, आपको जितने समोसे एक बार में बनाने हैं आप सारे को कट करके ऐसे ही फिलिंग के लिए आप तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें समोसा स्टफ करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, समोसा फिलिंग करने के लिए इसको शेप देना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समोसा का जो उनका जो शेप होता है वो ठीक नहीं होता है। आप ध्यान रखिए, देखिए मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही करना है और आपको फोल्ड करके हाथों से प्रेस करना है। अगर ये ठीक से चिपकेगा नहीं तो आपका ये समोसा जो है फट जाएगा। आपको ऐसे ही दबाते हुए
आपको फोल्ड करना है और इसको चिपकाना, उसके अंदर अच्छे से चिपकाना है। अब इसके अंदर फिलिंग डालना है, फिलिंग डालकर आप इसको थोड़ा हाथों से या स्पून से आप इसको प्रेस करके दबाएंगे ऐसे। अब किनारों पे पानी लगाकर इसको साइड से दोनों उंगलियों से आपको पुश करके दबाना है और ऐसे अच्छे से इसको चिपकाना है। ये हमारा एक समोसा बनकर तैयार है। टिकट तैयार हुए हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, तीनों कोने दिख रहे हैं। इसी तरह हम सारे समोसे तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये सारा समोसा भरकर तैयार है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। मैंने पहले से ही गैस पे पैन चढ़ा दिया है, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आपको तेल गर्म चेक करने के लिए आपको इसके अंदर आटे का एक टुकड़ा डालना है। अगर ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाए तो आपका तेल तैयार है। एक एक करके आपको सारे समोसे उसके अंदर डाल देने हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक आपको उसके 5 से 10 मिनट तक तलना है। और याद रखें, आँच हमेशा धीमी होनी चाहिए। तेज आँच पर अगर आप समोसा बनाओगे तो समोसा जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपके ये समोसे बनकर एकदम तैयार हैं। जैसा कि आपको देख रहे हो कि मेरा ये समोसा बिल्कुल तैयार है, अच्छा कलर आ चुका है। अब ये समोसा एक एक करके हम बाहर निकाल लेंगे और हमारा समोसा ये बनकर अब तैयार हो गया है। तो मैं ये समोसा फाइनली आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। आप एक बार ये समोसे बनाओ
खाओ और मुझे बताओ। रियल में ये समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और सबको ये समोसे, समोसे तो वैसे भी सबको पसंद आते हैं, लेकिन इस टाइम में आप समोसे एक बार बनाओ, ये गारंटी है कि आप ऐसे समोसे बार बार बनाओ।